हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैब स्टिच। आज की इस वीडियो में हम कपड़े की पट्टी का और लेस का यूज़ करके बहुत ही प्यारा सा वी शेप नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। वीडियो में मैंने इस नेक डिज़ाइन की फिनिशिंग के कुछ टिप्स बताए हैं, इन टिप्स को फॉलो करके आप नेक डिज़ाइन की फिनिशिंग बहुत अच्छी कर पाओगे। तो चलिए नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। इस नेक डिज़ाइन के लिए आप अपनी कुर्ती के साथ मैच करती हुई कोई भी लेस यूज़ कर सकते हो। इस नेक डिज़ाइन के लिए मैंने कपड़े की दो पट्टियाँ कट कर ली हैं। पट्टियों की चौड़ाई यहाँ पर 3.5 इंच की है। ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी चौड़ी लेस यूज़ करना चाहते हो। इस डिज़ाइन के लिए हमें आड़ी पट्टियाँ यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो सीधी पट्टी रहती है वो ईजिली घूमती नहीं है। दोनों पट्टियों की बैक साइड पर मैंने ब्लैक कलर का पेपर कैनवास पेस्ट कर लिया है प्रेस से। अब इसके बाद दोनों पट्टियों को हम बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और ऊपर से अच्छे से प्रेस लगा देंगे। दोनों पट्टियों को अच्छे से प्रेस करने के बाद अब हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो पट्टी को हम इस तरीके से खोलकर रखेंगे और ऊपर से जितनी आप लंबाई रखना चाहते हो गले की, यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाया है। आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। पट्टी की लंबाई यहाँ पर मैंने 22 इंच की रखी है। तैयार लंबाई जो पट्टी की रहेगी वो 20 इंच तक की रहेगी। बाद में एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर लेंगे। इसके बाद दोनों पट्टियों की सेंटर क्रीज को हम मिलाएंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम 8.5 इंच पर जो निशान लगाया था वहाँ से लगाना शुरू करेंगे और पट्टी के नीचे तक इसको ला के कम्प्लीट करेंगे। सिलाई लगाने के बाद पट्टी इस तरीके से नज़र आएगी। अब इसको खोलकर हम ऊपर से प्रेस लगा लेंगे। प्रेस करते टाइम हम इसका वी शेप नेक सेट कर लेंगे। यहाँ पर कपड़े की पट्टी और बुकरम दोनों आड़ी यूज़ की है हमने, इसलिए यहाँ पर ये ईजिली वी शेप में सेट हो जाएगी। नेकलाइन की अच्छी फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पर या तो वाटर स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टीम आयरन का। जितनी आप गले की चौड़ाई रखना चाहते हैं, प्रेस करते टाइम ऊपर से पट्टी को हम उतना ही फैलाएंगे। मैंने यहाँ गले की चौड़ाई 6 इंच तक की सेट की है। अब इसके बाद पट्टी के ऊपर हम लेस को स्टिच कर लेंगे। पट्टी की बंद वाली साइड पर हम कटवर्क वाला पार्ट रखेंगे और दूसरी तरफ जो किनारी है वहाँ पर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। इसके बाद दूसरी पट्टी पर लेस हम नीचे से अटैच करना शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ की लेस का जो कटवर्क है वो बिल्कुल आमने सामने रहना चाहिए। लेस अटैच करने के बाद इस नेकलाइन को हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। वीडियो के इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, ताकि जब आप नेकलाइन तैयार करें तो आपसे कोई गलती ना हो। यहाँ पर मैंने पेपर बुकरम पेस्ट कर ली है, ताकि आपको मार्किंग अच्छे से क्लियर हो जाए। अब पट्टी का जो सेंटर रहेगा उसको बिल्कुल हम कुर्ती के सेंटर के साथ मैच करते हुए सेट कर लेंगे, और ऊपर से हम गले की चौड़ाई को भी सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो पट्टी की तैयार लंबाई हम रखेंगे वो 20 इंच की रखेंगे, और नीचे की तरफ 1 इंच का हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा। गले की तैयार चौड़ाई मैंने 6 इंच की रखनी है, तो यहाँ पर उसका आधा 3 इंच मैंने मार्क कर लिया है। इसके बाद पट्टी का जो स्टिचिंग मार्जिन है उसको हम इस तरीके से उठाते जाएंगे और पूरी नेकलाइन की मार्किंग कर लेंगे। इस निशान पर हमारी सिलाई आएगी। स्टिच लगाने के बाद जो 1/2 इंच पट्टी का मार्जिन है वो इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अब जितना मार्जिन हमारा पट्टी का है उतना ही निशान हम कुर्ती पर लगा लेंगे। इसी निशान पर हमारी कुर्ती की नेकलाइन कट होगी। इसके बाद नीचे की तरफ हम यहाँ से इस तरीके से इसको मिला देंगे। सिलाई के निशान को उठाने के लिए यहाँ पर मैंने ट्रेसिंग व्हील इस्तेमाल किया है। इससे नेकलाइन की दोनों तरफ से एक जैसा मार्जिन ही आएगा स्टिचिंग में। इसके बाद कुर्ती पर हम नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर नेकलाइन कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अब जो कुर्ती में हमने मार्जिन रखा था कटिंग के टाइम पर, उसको प्रेस से हम फोल्ड कर लेंगे। सीधी तरफ से कुर्ती की नेकलाइन इस तरीके से नज़र आएगी। जो हमने वी शेप की पट्टी तैयार की है उसको हम बीच में फिल करेंगे। फाइनल स्टिच लगाने से पहले हम गले को सेट कर लेंगे। तो यहाँ जितनी हमने गले की चौड़ाई रखी थी उतना इसको फैला के रख लेंगे। तो यहाँ गले की चौड़ाई मैंने 6 इंच की रखी है। इसके बाद पट्टी का जो स्टिचिंग मार्जिन है वहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। इसके बाद कुर्ती पे जो हमने गला कट किया है उसको इसके ऊपर सेट करेंगे। सेट करते टाइम कुर्ती का सेंटर और जो पट्टी का सेंटर है एग्जैक्ट मैच करने चाहिए। आप यहाँ पर ग्लू की जगह पिंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो तैयार गला रहेगा हमारा इस तरीके से 6 इंच का रहेगा। फैब्रिक ग्लू को हम सूखने देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे।
इस तरीके से सिलाई लगाना बहुत ही आसान रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा वी नेक तैयार हुआ है। अब इसके सेंटर में लगाने के लिए मैंने कुछ पर्ल्स लिए हैं जिसको सुई और धागे से हम स्टिच कर लेंगे। इस तरीके की जो लेसेस रहती हैं उन पे साइड स्टिच नहीं लगता, इसीलिए वहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हैं। सूखने के बाद फैब्रिक ग्लू ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इसलिए कपड़े पर उसका कोई भी स्टेन नज़र नहीं आता और वॉश करने के बाद भी यहाँ से ग्लू निकलेगी नहीं। अब इसकी बैक साइड की फिनिशिंग के लिए चाहें तो आप इंटरलॉक करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड कर तुरपाई कर ली थी। आई होप कि नेक डिज़ाइन का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।